नवजोत सिद्धू और नवजोत कौर वो सरकार में रहकर भी वो अकालियों के खिलाफ थे और वो बड़ा ओपन था। कभी कभी ऐसा लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को राजनीति नहीं आती, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि राजनीति सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू को आती है। सत्येंद्र चरणजीत सिंह चन्नी का स्टॉक मतलब रिलेटिवली कोई जानता नहीं था, उनका नाम आ जाना फिर वो सीएम बन जाएं, उनका नाम दिन ब दिन जो है वो बड़ा होता जा रहा है। एक बड़ा विवाद जो उनके कार्यकाल में हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और वो सिक्योरिटी का हवाला देकर इतना बड़ा विवाद हुआ था, आपको याद होगा, उस विवाद का असर पंजाब इलेक्शंस में क्या है? क्योंकि हकीकत है कि बीजेपी जब जनसंघ हुआ करता था उसका पंजाब के बड़े शहरों में, अमृतसर हो गया, जलंधर हो गया, फगवाड़ा हो गया या फिर होशियारपुर हो गया, यहाँ पर होल्ड होता था। फिर वो बीजेपी बनी अकालियों के साथ, इन्होंने सरकार में भी रहे कई साल, लोकसभा में इनके वहाँ से कैंडिडेट्स जीत के आते रहे क्योंकि अकाली और बीजेपी का वो गठबंधन था जहाँ हिंदू वोट कांग्रेस या फिर शहरी हिंदू वोट बीजेपी के साथ होता था और रूरल एरिया से सिख वोट जो है वो एनडीए के साथ रहता था। ये जो प्रधानमंत्री मोदी का विवाद हुआ था सिक्योरिटी का, उसके बाद से जो बीजेपी का वोटर था, जो हिंदू वोटर था, उसने उसे कैसे देखा और चरणजीत सिंह चन्नी का स्टॉक उसके बाद ऊपर या नीचे कैसे हुआ पंजाब में? देखिए, अगर आप इस पूरे प्रकरण को देखें विक्रांत, तो इस पूरे प्रकरण में लग ऐसा रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी इस लड़ाई को कहीं ना कहीं पंजाब वर्सेज केंद्र सरकार बनाना चाह रहे थे और वो जब भी बात करते थे तो वो एक शब्द का इस्तेमाल करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की सरकार पंजाबियों के खिलाफ है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो अपने आप को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अपने आप को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, तो उसमें वो अपने आप को एक पंजाबी लीडर, यानी कि वो धर्म जाति और इन सब की सबसे ऊपर अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं पंजाब का बड़ा लीडर बन गया हूं और वो बात कर रहे हैं पंजाब वर्सेज केंद्र की। उन्होंने एक चीज बड़े अच्छे तरीके से भापी कि कुछ दिनों पहले पंजाब से एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था और वो आंदोलन था किसान आंदोलन, और ये आंदोलन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार वर्सेज किसान बन के रह गया था। तो एक बात चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़े अच्छे तरीके से भापी कि इस समय जो सेंटीमेंट्स हैं खासकर किसानों के, और किसान पंजाब में एक बहुत बड़ी तादाद है, किसानों के सेंटीमेंट्स कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ बने हुए हैं और उसी को उन्होंने इस पूरे प्रकरण में कैश किया, यानी कि उन्होंने कहीं पर भी भाजपा या केंद्र सरकार पर जब भी निशाना साधा उसको पंजाब के साथ जोड़ने की कोशिश की, उसको किसानों के साथ जोड़ने की बात की। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक सिंघल ने भी चरणजीत सिंह चन्नी का इंटरव्यू किया, इंटरव्यू में उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं, और हमने भी उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से जो लोग उनका विरोध भी करते हैं तो चरणजीत सिंह चन्नी उनकी बात भी सुनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को ये नागुवारा गुजरा। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई थी वो पंजाब वर्सेज केंद्र सरकार थी, और उसमें वो फायदा ये लेने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा पंजाब एकजुट हो जाए केंद्र सरकार के खिलाफ। लेकिन अगर आप बात करें विक्रांत, राजनीति हो या फिर खेल हो, दोनों में डिफेंस और अटैक दो मोड होते हैं, और यहां पर अगर आप पूरे इस इलेक्शन को समझने की कोशिश करें, कांग्रेस पार्टी अब से कुछ दिनों पहले अटैक मोड पर थी, जब आम आदमी पार्टी की बात आती थी चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो, वो आम आदमी पार्टी का मजाक उड़ाते थे ये कहकर कि इनके पास तो चेहरा ही नहीं है। अब देखिए क्या फजीहत हो गई है, कांग्रेस पार्टी को डिफेंसिव होना पड़ रहा है क्योंकि अब उनके पास भी चेहरा नहीं है उनके पास। अच्छा, ये यहाँ पर ये चीज समझनी होगी कि कांग्रेस पार्टी के पास चेहरा होते हुए भी चेहरा नहीं है, उनकी सरकार पंजाब में ज्यादा चेहरे हो गए ना, मुख्यमंत्री है उनके पास मुख्यमंत्री भी है, उनके पास कांग्रेस का अध्यक्ष भी है, कांग्रेस का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझता और मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ नहीं समझता, और अब चेहरे इतने हो गए हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को रायशुमारी लेनी पड़ी। अब इस रायशुमारी पर आप आइए, ऑप्शन ए चरणजीत सिंह चन्नी, ऑप्शन बी नवजोत सिंह सिद्धू, ऑप्शन सी क्या हम बिना चेहरे के ही चुनाव में जाए, यानी कि ऑप्शन सी भी जिंदा है। अभी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से पत्ते खोले हैं उसमें ऑप्शन सी भी रखा है, और यही ऑप्शन जब आम आदमी पार्टी ने
राय शुमारी ली थी तो उसका कांग्रेस पार्टी और अकाली दल मजाक उड़ाते थे, ये क्या है अब ये जो है ढकोसला है। और जब उनका वो वोट परसेंट आया था, जब उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया था कि हमें इतने लाख लोगों ने राय दी, तो उसके ऊपर भी सवाल या निशान उठाए गए। अब कांग्रेस पार्टी ने वही किया है और उसी को दिखाकर अब ये मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूं कि जो आपने कहा पंजाब वर्सेस सेंटर, क्या चन्नी उसमें कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए हैं? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने चरणजीत सिंह चन्नी का के इस पूरे मामले का हम तुलनात्मक बात करें तो उसमें चरणजीत सिंह चन्नी कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं।